राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। रक्त चरित्र कहानी है एक आदमी प्रताप रवि की, जो अपने पिता के खून की खबर सुन एक दिन अपने गांव गया और कभी वापस नहीं आ सका। उसके परिवार और उस पे कई जानलेवा हमले हुए। उस पर ढाए हुए जुल्म से पैदा हुई नफरत, अपनों को खो देने का दर्द उसकी ताकत बना। उसने अपने दुश्मनों के साथ वही किया जो दुश्मनों ने उसके साथ किया। मिलावट है प्रतिशोध भी सिर्फ रक्त चरित्र है। हालात ने उसे अभूतपूर्व सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बना दिया। महानायक काल पुरुष शिवाजी की छत्र छाया में रवि ने दिन दहाड़े दुस्साहस के साथ कई राक्षसों के वध करने की वजह से स्वयं खुद एक बहुत बड़ा तानाशाह बन गया। और जब सभी ये सोचने लगे कि पूरे राज्य में कोई भी माई का लाल प्रताप की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा, उस वक्त
जो तूने किया देखना अब तू क्या होगा। खून बहाया जो तूने तेरे बदन से छलकेगा। बूंद बूंद टपके टपके तिल तिल करके तू तड़पे। रात की पास जो फैलेगी मौत भी पास न हटकेगी। तेरी मौत बुलाएगा हाथ मेरे जो आएगा। अकेड़म अकेड़म कटेगा कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात मात की बिछी भी साथ। थोड़ा तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। तुम्हारे घर पे आए उनमें से कोई होगा? नहीं, उनकी इतनी कुव्वत नहीं कि वो ऐसा सोच भी सके। तो फिर और कौन? गलती हो गई शिवाजी साहब। बड़ी गलती। उस बुक्का रेड्डी के भाई पुरू रेड्डी को जिंदा छोड़कर। मुझ पर शक मत कीजिए सर, मैंने नहीं किया। अरे मेरे को पागल कुत्ते ने काटा जो मैं सब करूंगा। मेरा इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है सर। मैं सबसे अलग थलग एक कोने में पड़ा रहता हूँ। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं क्यों इस सब में पड़ूंगा सर? मेरा यकीन कीजिए। तो फिर और कौन हो सकता है? सर मेरे को कुछ नहीं पता सर। मैं जानता हूं तुझ जैसे कायर की इतनी हिम्मत नहीं कि तू एक काम कर सके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तू जानता है कि वो कौन है। मुझे सिर्फ वो नाम चाहिए, नाम, वरना भी जो किया ना सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर दिखा सकता हूं मैं। ओ, 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 नरसिम्हा रेड्डी का बेटा सूर्या। गोपनीय सूत्रों से पता चला है, पुलिस के कुछ अफसरों का शक है कि प्रताप रवि पे इस हमले के पीछे सूर्यभान रेड्डी उर्फ सूर्य नाम के एक आदमी का हाथ है।
उन्हीं सूत्रों के अनुसार प्रताप ने कुछ 3 साल पहले एक टीवी में बम लगा के सूर्य के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। उनके पिता बाहुबली नरसिम्हा देवा रेड्डी पहले ही एक हमले में मारे जा चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी प्रताप ही थे, लेकिन गवाह न मिलने की वजह से प्रताप रवि को बरी कर दिया गया। नरसिम्हा रेड्डी के बहुत से दुश्मन थे, उन सबको छोड़कर सिर्फ मुझ पर ये बेबुनियाद और सरासर झूठा इल्जाम लगाना गलत बात है। और वो टीवी बम? क्या टीवी? कौन सा बम? मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ नहीं तो आप पे हमला करने का क्यों सोचेंगे? मैं किसी को कुछ सोचने से नहीं रोक सकता। तो अब आप क्या करेंगे? निपट लूंगा। बच गया। हार गए। फिक्र मत करो सूर्या, फिर कभी नहीं भवानी, उसे मारने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। सूर्या, मौके जाते हैं तो आते भी हैं। Love you. आर्या कैसा है? डीसीपी मोहन प्रसाद आए हैं। थैंक यू। नमस्ते। हाय। बोल। टीवी के बारे में बात करने आया था। क्या टीवी? वही बॉम्ब। क्या बॉम्ब? मैं भूल गया था, आप टीवी देखने के लिए नहीं बम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं उसी बम के बारे में बात कर रहा हूं जिसको आपने सूर्या के घर वालों को मारने के लिए टीवी में फिट करवाया था। घर जाके टीवी देख ले, जवाब दे चुका हूं। मैं रिपोर्टर नहीं हूं प्रताप साहब, पुलिस वाला हूं। तो पुलिस वाले की तरह अपना काम कर। पुलिस वाले मुझे खुद पसंद नहीं आते, मेरा खुद का स्टाइल है, वो शायद आपको पसंद। काम की बात कर। काम की बात यह है प्रताप साहब कि आप दोनों का बॉम्ब किसी के काम नहीं आया। बॉम्ब मुझ पे फटा लेकिन दिमाग तेरा सटक गया है। क्या करें, शायद एनीवे थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। चलता हूं। और हां, ख्याल रखिएगा। मैं तो कहता हूं सीधा अस्पताल में घुस के खत्म कर देते हैं साले को। रवि दरिंदा है, बेवकूफ नहीं, वो भी यही सोच के हमारे आने की राह देखेगा। मैं मरने से नहीं, उसे मारे बिना मरने से डरता हूं। गलती हो गई, अब दोबारा नहीं। अब रवि को मारना है तो सोच से और सबर से। सूर्य अंडरग्राउंड हो गया है। एक
एक करके उसके हर सपोर्टर को खत्म कर दो। पैसा, हथियार, इंफॉर्मेशन, जो दे रहा है और जो देने की सोचे भी उड़ा दो। उसके हाथ पैर उसके सपोर्टर हैं, सर झुक गया तो हाथ पैर काट डालो, सर अपने आप गिर जाएगा। सबसे पहले गुरु रेड्डी। गुरु रेड्डी? हाँ, वो डर गया सोच के हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन डर को बदला में बदल जाने के लिए वक्त नहीं लगता। सूर्या का प्लान जानते हुए भी उसने हमें कुछ नहीं बताया। उड़ा दो उसे। अब रक्त चरित्र के दूसरे अध्याय के पन्ने रक्त की स्याही से लिखे जाने लगे। सूर्या निशाना चूक गया था और उसका तर्कश फिलहाल खाली था। रवि के कत्लेआम से सूर्या को पनाह देने वाले खत्म होते जा रहे थे। सूर्या, उसने राम रेड्डी, हनीश और रमेश रेड्डी को भी मार दिया। मेरी जगह उन्हें मार रहा है। क्या है वो प्रताप? सूर्या, क्या लगता है पुलिस आ रही है? अरे भागो वहां से, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। सरेंडर नहीं किया तो भवानी के साथ मैं क्या क्या करूंगा? इसलिए कि सूर्या के रास्ते खत्म हो गए, उसने अपने लोगों को मदद का शुक्रिया अदा कर ने अंडरग्राउंड होने को कहा। उसे इस वक्त बदला नहीं, वक्त चाहिए था, क्योंकि उसे पता था कि प्रताप को मारने का दूसरा मौका इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला। उसने सोचा अगर वो खुद को पुलिस के हवाले कर जेल जाए तो उसे दूसरे मौके की जगह और वक्त दोनों ही मिल सकते हैं। खबर है कि सूर्या सरेंडर कर रहा है।
मैंने भवानी को कुछ नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें सरेंडर करने के चक्कर में डरा रहा था। बात करो। हेलो। हाँ सूर्या। भवानी कहाँ हो तुम, कैसी हो तुम? आर्या, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं सूर्या। वो डीसीपी मोहन ने हमें पुलिस हॉस्टल में रखा है, यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। भवानी अपना ख्याल रखना। हाँ। बाय। वैसे मुझे ना लगता था कि तुम अपनी बीवी के लिए इस तरह सरेंडर हो जाओगे। मैं तो नहीं करता। क्यों? बीवी बीवी में फर्क होता है, मैं नहीं करता। फोन चले। जब मैं कोर्ट में सरेंडर करूं वहां भवानी को मिल सकता हूं। ना आए तो अच्छा है, मुझे शक है रवि के आदमी तुम पे कोर्ट में हमला करेंगे। तुम्हारा बेटा और भवानी बेचारी दोनों बीच में फंस सकते हैं। बुला सकता हूं? बुलाओ। चलो, मुझे सूर्या को मारना है। वो सरेंडर करके जेल जाने की तैयारी कर रहा है, और एक बार वो जेल चला गया तो मुझे मिलना मुश्किल है। आप मोहन प्रसाद पर दबाव डालिए, कैसे भी उसे मेरे रास्ते से हटा दीजिए ताकि मैं सूर्या को हटा सकूं। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं सन जो ये कानून नहीं कर सकता? वो कानून का नहीं, मेरा गुनहगार है। वक्त गुनहगार है बाबा। मुझे डायलॉग नहीं, आपका सपोर्ट चाहिए। ये जिंदगी है सर, आपकी कोई फिल्म नहीं। वैसे तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं सन, उसे रिश्ता का बेसिस भी बोलता है। बम ब्लास्ट के बाद तुम ऐसे ही सुर्खियों में आया हुआ है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले ये मीडिया वाले बाहर बैठे हैं। इतना बड़ा पुलिस के सिर्फ एक जवाब, आप मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं? हाँ या ना? लता, राजनीति कभी भी हाँ और ना के बीच में चलती है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है इस बार शायद हम गवर्नमेंट ना बना पाए, इसलिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो हमें और भी कमजोर बनाए। उनका भी यही जवाब है। टॉपिक इज ओवर। चाहे शिवाजी का सपोर्ट हो या नहीं, उस सूर्या को तो हर हाल में खत्म करना होगा। बाहर से ये काम किसी बाहर वाले को दो, क्योंकि वो डीसीपी मोहन प्रसाद हमारे लोगों को देख रहा होगा। एक आदमी है मुरारी, थैंक यू।
आपके लिए एक बैड न्यूज है, मुरारी मर गया। कौन मुरारी? ये आपके एक एक आदमी। कौन मुरारी? क्या बोला आपने? कौन मुरारी? अगर मैं चाहूं तो तू यहां से जाएगा नहीं। कानून की इज्जत करता हूं मैं, थोड़ी इज्जत तू भी कर ले। जा, जाके सबूत लेके आ। पसंद नहीं भवानी, मैं यहां हाथ पे हाथ रखकर बैठने नहीं आया, उसकी तकदीर लिखने आया हूं। वो मरेगा। लेकिन कैसे? तुम तो यहां, तुम दूर रहो, तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। इसके लिए सूर्या, भवानी मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। जेल के अंदर खाना बनाने वाले किसी के साथ कांटेक्ट हो सकता है। तुम्हारा मतलब उसके खाने में जहर मिलवा दिया जाए। वो खाना सूर्या तक ही पहुंचेगा, इस बात की गारंटी क्या है? एक और आइडिया है। जेल में लड़ाई झगड़ा मारामारी अक्सर होती रहती है। किसी मौजूदा कैदी को चुनते हैं, जेल के अंदर ही साला सूर्या को खत्म कर देते हैं। तू नाम क्या है तेरा? नया आया क्या? ये मुंह में जबान नहीं है क्या? सूर्या! अबे कौन सूर्या? छोड़! प्रताप रॉय को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, ये वही है, ये वही है। तू साला प्रताप रवि को मारने का कोशिश किया? प्रताप रवि? सैल्यूट है उस्ताद। लेकिन काय को
सिर्फ मेरे खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए किया। मेरे अपने ऐसा क्या हुआ था? 8-10 ऐसे लोगों को तो मैं भी जानता हूं जो प्रताप रवि को हर कीमत पर मारना चाहते हैं, और उसे मारने का कारण भी है उनके पास, लेकिन इतनी नजदीक कोई नहीं पहुंचा। और डरने लगा तुम्हें? इंसान तभी डरता है जब वो जीना चाहता है, और वो जीना चाहता है खुश रहने के लिए, और मेरी खुशी उसकी मौत में है। मैं मारने को तैयार हूं, और उसके लिए मारने को भी तैयार हूं। क्या किया? आनंदपुर से दूर मैं शहर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करने की तैयारी में था। हाँ पापा, बहुत मुश्किल से यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधर चाहिए। कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। अरे वापस करने की बात कहाँ है बेटा, ये सब तो तेरा ही है। लेकिन तू इतना खुददार है कि आज तक हमारी बनाई दुनिया से दूर ही रहा। मैं खुश तो नहीं, लेकिन इसकी वजह समझ सकता हूँ। मुझे तो चिंता है तेरे छोटे भाई चंदू की। क्या ये सब वो अकेले संभाल सकेगा? चंदू जज्बाती है लेकिन अकलमंद भी है, वो संभाल लेगा। लेकिन बेटा तुझे ये आनंदपुर से इतनी नफरत क्यों है? नफरत जगह से नहीं, लोगों से होती है पापा। बात बात पे वहां पर होने वाला ये खून खराबा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटा यहाँ लोग जानबूझकर मजाक के लिए खून खराबा नहीं करते, वो यहाँ की जरूरत है। खैर एक दिन तो वो समझ जाएगा। तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती थी शादी के बारे में। शादी कर ले? क्या? मैंने पूछा शादी कर ले? ये शादी कोई चाय है, चलो आप पी लेते। ऐसे फैसले लेने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। अरे अरे सुन रहे हैं? ये जनाब कह रहे हैं कि इन्हें सोचना चाहिए। अरे क्या? अरे क्या सोचना चाहिए, मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे। Don't do this. मेरे पापा इन्हें पसंद नहीं करते, पर उन्हें ये बात पसंद है कि इनके पापा बहुत बड़े आदमी हैं और इनके पापा के पास इतनी प्रॉपर्टी है। अरे बात तुम्हारे मेरे पापा की नहीं, काम करो यार, हमारी है। कम्या, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, टाइम पे खत्म करना है, लेकिन बिल्डर्स का फाइट, वर्कर्स का स्ट्राइक, रॉ मटेरियल, सीमेंट का प्राइस एंड मुझे पता है सूर्या, ये सीमेंट, ये रेत, यही तुम्हारा पहला प्यार है ना? पहला दूसरा पता नहीं, पर प्यार तो है। मकान बना, बातें नहीं। हेलो, हाँ बोल चंदू। क्या कतार से पापा को मार डाला उस रवि ने? पुलिस वाले बोलते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है, मुझे किसी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस हरामजादे को ना, चाहे वो कहां भी छुपा हो, उसे उन जंगलों से खींच के निकाल कर सड़क पर लाकर मारूंगा, उस साले हरामी को। तुमने अपने भाई को सुना? मेरा दूसरा डर ये है कि तुम तो जानते हो तुम्हारे पापा नागमणि पर कितना भरोसा करते थे। जमीन जायदाद और कानूनी कागज उनके लिए सब नागमणि देखता था। हमारा बहुत सारा पैसा अब उसके हाथ में है, पता नहीं वो क्या करेगा। नहीं, 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 नहीं,
सूर्या, तुम लोगों के पैसे देना तो छोड़, उल्टा मुझे आने का है तुम लोगों से। तुम्हारा बाप को मुझे देना नहीं है, तुम्हारा बाप से मुझे लेने का है। तुम्हारे पापा का भरोसा करके उनपे बहुत कुछ छोड़ा था मैंने, बहुत कुछ सचमुच। इतना बड़ा ट्रेजडी हो गया, वो जैसे अचानक चले गए। इसलिए कि ट्रेजडी हो गया तो मैं तुम्हारे पापा को दिया हुआ कर्ज छोड़ देता हूँ। समझ गया ना? ये सब साला उस प्रताप की वजह से हो रहा है। उसे मारे बिना हमारी हमारी कोई मुसीबतें खत्म नहीं होंगी। चंदू जज्बाती होके क्या मिलेगा? उसे मारना ज्यादा जरूरी है कि पहले अपने घर परिवार को संभालना? तू एक दो दिन मातम पोषी के लिए चलता बन डरपोक साले। हे, अगर मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूं तो उस रवि के टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। क्या है ये? किस कीमत पर? पापा वापस आ जाएंगे, और अगर इस कोशिश में तुम्हें या मुझे कुछ हो गया तो क्या माँ और बहन सड़क पर भीख मांगेंगे? मैं बैंगलोर में एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब वहीं चलकर रहे, इस सबसे दूर। ये पाप, ये खून खराबा, ये दुश्मनी, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तुम मुझे डरपोक समझते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदू बस इतना समझ, प्रताप रवि की मौत अपनी मां और बहन की हिफाजत से बड़ी नहीं है। भैया सॉरी, सॉरी, जो कुछ भी हुआ मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। पता नहीं अब ये सब के बाद तुम्हारे पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो कुछ भी कहें, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हेलो भैया। हाँ चंदू। भैया प्रताप ने लाख मजी को मार दिया। चंदू से अपना क्या लेना देना है, बस याद करो जो मैंने तुमसे कहा। मैंने एक घर देख लिया है, बहुत जल्दी तुम सबको मैं यहां ले आऊंगा, ठीक है? हाँ भैया। आई लव यू टू। नागमणि रेड्डी का मर्डर करने के बाद अपनी ताकत की भूख मिटाने और अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए प्रताप राजनीति में आ गया, एक मसीहा के बेस में राक्षस बन गया, अपनी कई एक्शन टीम बना के हमारे बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। फिर भी मैं अपने और अपने लोगों के उफनते गुस्से को काबू में रखने में कामयाब हुआ। कानून और सिस्टम पे भरोसा कर मैंने और मेरे भाई ने पुलिस स्टेशन में रवि के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस भी रवि के टुकड़ों पे पल रही थी। ये मैं बस सहता गया क्योंकि मुझे मेरी फैमिली की परवाह थी। कुछ महीनों के बाद
एक त्योहार पे भवानी को लेके मैंने घर जाने का सोचा।
मेरी बहन पूरी जली हुई थी, अपने भाई को देख ही नहीं पाया, वो पूरा बिखर गया था। जिस परिवार को बचाने के लिए मैं अपने बदले को भूल गया, उसी परिवार को उसने खत्म कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ बदला है। मैंने उसके घर में बॉम्ब डाला, क्यों? कोई बोलेगा कुछ? चुप क्यों तुम लोग? सच बोल रहा है वो प्रताप, सच। क्या याद है, राजनीति में जाने से पहले तुमने हमको ऑर्डर दिया, हमारे सारे दुश्मनों की एक लिस्ट बनाओ और फिर हमारे हर दुश्मन और हर होने वाले दुश्मन को एक एक करके उस लिस्ट से मिटा दो। हमने 7-8 टीम बना के बुक्का रेड्डी से जुड़े और बाकी कई लोगों को एक एक करके ठिकाने लगाया। कुछ 20-25 लोग होंगे। सूर्या के घर से ठीक करने के लिए एक टीवी बाहर गया, हमारी एक टीम को यह पता लग गया और उसमें बम लगा के वापिस भेजा। ऐसा नहीं कि बम लगाने के पीछे की सोच गलत थी। सूर्या का भाई चंदू कहता फिर रहा था कि वो तुमको मार डालेगा, और ऐसे में हम कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। मतलब तुम लोगों ने जानते हुए भी उसके घरवालों को मार डाला? दबाव और जल्दी थी इसलिए प्रताप। और कहा ना, एके ने कुछ बाहर के लोगों को काम पे लगाया था, उनमें से किसी एक से ये गलती हुई। गलती? हमारे यहाँ घर वालों पर और बच्चों पर कभी वार नहीं करते, कभी नहीं। आज तक जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए जो भी खतरे मोल लेने थे लिए, तुम्हें अपनों को इतना तो देना होगा, क्योंकि हमारे लोगों में लड़ी गई इस तरह की लड़ाइयों में ऐसी गलतियां होती हैं और होती रहेंगी। सिर्फ तुमसे कह सकता हूं कि मैं क्या हूं और क्या नहीं, क्या सच है और क्या झूठ। पर बाहर कभी नहीं। एक नेता होने के नाते अपने लोगों की जिम्मेदारी और अपने लोगों की हर गलती की जिम्मेदारी भी मेरी है। मुझे मारना चाहता है और मुझे उसे मारना पड़ेगा। धर्म धर्म अस्त्र शस्त्र दंड द्रोह क्लेश रक्त कर्म
जेल में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बाबा, तेरे को घर आने का। शिवाजी साहब मैं बोला ना तेरे को घर आने का। टॉपिक इज ओवर। Lots of topics are pending. सही बोलते हैं शिवाजी साहब, अगर राजनीति में बड़ा काम करना है तो ये सब खून खराबा, बदला वगैरह, ये सब छोटी छोटी चीजों से हमें दूर रहना पड़ेगा। तोड़ने से नहीं, दुश्मनों को जोड़ने से ताकत बनती है। मैं अपने सभी दुश्मनों को एक एक करके मिलना चाहता हूं, वो सूर्या से भी। सूर्या से? प्रताप सही था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि सूर्या उससे कितनी गहरी नफरत करता है। वक्त के साथ प्रताप की सोच अलग अलग जगह में पड़ गई थी, पर सूर्या अब भी उसी वक्त और उसी जगह खड़ा था जहां प्रताप बहुत साल पहले था। मैं कभी जेल नहीं गया, लेकिन तेरे बाप को मारने की कोशिश करने के वक्त बहुत दिन जंगलों में काटे, इससे भी बुरे हालात थे वहां। या मुझे कोई परेशानी नहीं, बहुत खुश हूं तुम्हें मारने के सपने देखते हुए। बदला, तेरे से बेहतर जानता हूं इस आग को, तेरे बाप की वजह से। देख, एक बार रक्त बहने लगे रुकता नहीं, यही रक्त चरित्र है। मैं चाहता हूं कि हम इसे यहीं रोक दें। तू तेरे रास्ते जा, मैं अपने रास्ते। मेरा रास्ता अब सिर्फ तेरे रास्ते में आना है। लगता है इस जेल में बैठकर कुछ ज्यादा ही सपने देखने लग गया है तू। एक आदमी जेल में, किस बात पे इतना भरोसा है तुझे? अपनी नफरत पे। बहुत से लोग बहुत सी चीजों से नफरत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका कुछ कर पाते हैं। तू इधर क्यों आया? समझाने। तू इसलिए आया क्योंकि तू डरा हुआ है
तुमसे ताकतवर हूं, क्योंकि तुझे मारने के लिए मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मारने के लिए तू कभी नहीं मरेगा। मैं तुझे मार के यह साबित करूंगा कि तू बहुत ही मामूली आदमी है। सपने देखते रहे, देखूंगा। गुड लक। नफरत ने अंधा कर दिया है उसे। वो एक मामूली आदमी है और मामूली ही रहेगा। बेकार में वक्त बर्बाद किया हमने। अच्छा, वो धर्मावरण के सुबह रेडी का क्या हुआ? जिस आदमी से इतने दिनों से इतनी नफरत की, आज पहली बार उसे इतनी नजदीक से बात करते हुए देखा, वो भी तुम्हारी मेरी तरह सिर्फ एक मामूली इंसान है। उसका इंसानी चेहरा देखकर तेरे दिल में उसके लिए नफरत कम हो गई? बढ़ गई। प्रताप रवि खुद की लड़ाई को राजनीतिक और सूर्या की नफरत को निजी समझता था, पर उसे यह नहीं पता था कि जिस तरह शिवाजी ने उसकी निजी लड़ाई को राजनीतिक रंग दे दिया था, उसी तरह कुछ और भी बड़ी ताकतें थीं जिनकी नजर सूर्या पर बहुत दिनों से थी। उन्हें बस तलाश थी एक सही मौके की। की जमीन हिल जाती है। इस बार राज्य के चुनाव की लड़ाई में एक तूफान आने वाला है। दुनिया का चलन यह है कि बड़े आदमी को मारने वाला और भी बड़ा बन जाता है। हमारे लोगों को कुछ ऐसे नाम वाले लोग चाहिए, खासकर आनंदपुर में। लेकिन मैं तो जेल में हूं। मेरे पास एक आइडिया है। जरूरतमंद लोग फायदा लेना चाहते हैं। उनका मकसद कुछ भी हो, मेरी अपनी वजह है। पर सूर्या,
उससे इलेक्शन लड़के हम उसे इज्जत दे रहे हैं। उसे हराने के चक्कर में अपना वक्त क्यों बर्बाद करें? उसकी मौत जरूरी है, हार नहीं। मौत सिर्फ शरीर की होती है, सोच की नहीं। प्रताप की आज की ताकत उसकी राजनीतिक सोच भी है, इसलिए पहले उसे हराना है और फिर मारना है। पवाड़ी, जैसे तुमने कहा था, मौके मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। ये एक दूसरा मौका है और शायद आखिरी। मैं चाहता हूं कि अब से हथियारों की लड़ाई मैं लड़ूंगा और विचारों की लड़ाई तुम लड़ो। सीने में बहता है जो लावा बन के वो रक्त है, सशक्त है। त्राही त्राही जिसने मचाई कहता इतिहास गवाह बन के वो रक्त है, सर्वत्र है। पुण्य की क्या परिभाषा, क्रोध जाने प्रतिशोध की भाषा। आज के भारत की महाभारत में डूबा कुरुक्षेत्र है, रक्त चरित्र है, रक्त चरित्र, रक्त। खबर पक्की है, यहां से तुम्हारे खिलाफ सूर्य की बीवी भवानी को खड़ा कर रहा है। जैसे वापस जा रहा हूं वैसे ही वापस आऊंगा। मैं बाहर झक मारने नहीं जा रहा हूं, प्रताप रवि को मारने जा रहा हूं। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लेना देना रवि से? देख सूर्य, मैंने जिंदगी में आज तक एक अच्छा काम नहीं किया, ये काम मुझे करने दे दोस्त। पर तू मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है? भाषण मत दे यार। तू क्या सोचा, अच्छा काम करेगा, बलिदान देगा तो महात्मा बन जाएगा? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे करना है, बस तू ये बताते रहना कैसे करना है। Oh,
आगे की बात यह है कि हमारी वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो सूर्या की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे हाथों सूर्या के परिवार की मौत कुछ लोगों के लिए एक ऐसी गलती है और वही लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेकिन प्रताप, हमारी पार्टी की सरकार बने या ना बने, हमें आनंदपुर की सीट जीतनी ही होगी। और वो तब होगा जब भवानी ये चुनाव ना लड़ पाए, और वो तभी होगा जब हम उसे मार देंगे। ये गलत है प्रताप। नंदिनी, जिन मामलों की तुम्हें समझ नहीं, उन मामलों में चुप रहोगी तो बेहतर होगा। पहले तुमने अपने परिवार के लिए ये सब किया, फिर उसके बाद खुद को और अपने लोगों को सही ठहराने के नाम पर तुम किसका बदला ले रहे हो? तुम अपने आप को अपने किचन और घर तक सीमित रखोगी तो अच्छा होगा। ये मामला पूरे इलाके का, हमारे लाखों लोगों का, पूरे राज्य का है। ये मामला सिर्फ तुम्हारे राज्य का नहीं, मेरे घर का भी है। भवानी की आंखों में सच्चाई है, उसका तुम लोगों की लड़ाई से क्या लेना देना? प्रताप, क्या उसका कसूर ये है कि वो अपने पति का साथ दे रही है? तो फिर उन्हें सबसे पहले मुझे मार देना चाहिए। तुम्हें मारना है तो सूर्य को जाके मारो, भवानी को नहीं। ये सब लोग दिन भर यहाँ बैठ के तुम्हारे दिमाग में जहर भरते रहते हैं और तुम इन लोगों की बातों में आके अपने फैसले करते हो। नंदिनी, तुम्हें समझना चाहिए, प्रताप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ माँ, बहुत सुन चुकी हूँ मैं ये जिम्मेदारी की बातें। तुम पर अगर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है तो अपनी खुद की जिम्मेदारी का क्या? समझती हो इलेक्शन हारने का मतलब? समझती हो कि ये सब खत्म हो जाएगा? इतने सालों से खून पसीना बहाकर जो अपने लोगों के लिए एक मकाम हासिल किया, एक वजूद बनाया अपने लोगों का, सब खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा सब। ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। तुम्हारी, मेरे और हमारे लाखों लोगों के लिए नंदिनी, प्रताप रवि को ये इलेक्शन हर कीमत पर जीतना होगा। तो फिर कल इलेक्शन जीतने के लिए तुम मेरी और अपने बच्चे की जान का भी सौदा करोगे क्या? सबसे पहले मुझे मार देना चाहिए।
मैंने भवानी को मारना कैंसिल करवा दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे भी। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? प्रताप, क्या हुआ? उन लोगों ने ओंकार चाचा को मार डाला। मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। हो गया, तुम ठीक ही कह रहे थे, ये सब चीजें मेरी समझ के बाहर है। सच्चाई इतनी डरावनी है और हालात इतने मुश्किल कि जज्बातों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। यह दिल से लिया हुआ हर फैसला नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी। प्रताप इतना गिर जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर आज मैं नहीं होता तो भाभी। इलाके में हमारा नाम अब ऊपर ही जाएगा। हमें ये मौका देने के लिए सभी ने तुझे थैंक्स बोलने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मुझे भी थैंक्स बोलने का एक मौका चाहिए। कैसा मौका? कृष्णा को ये पता था कि सिर्फ प्रताप को मारने से कुछ नहीं होगा, बल्कि लोगों में प्रताप के लिए जो सोच थी उसे मारना जरूरी है। और अगर वो मुमकिन हुआ तो भी उसके लिए सूर्या को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सूर्या को एक राजनीतिक हथियार बनाने की जरूरत भी थी। नंदनी, तुम वो पीछे वाली गाड़ी में आओ। क्यों? तुम जानती हो कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में बॉम्ब लगा सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम वो गाड़ी में। मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मारा है और बहुत से लोग मेरी वजह से मरे, लेकिन तुम्हारी मौत मैं अपने सर पे लेने के लिए हर किस तैयार नहीं हूं। और अब तुम पे हमारे होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी है।
प्रताप रवि पूरे राज्य पे कब्जा करने का इंतजाम कर रहा है और षड्यंत्र की शुरुआत के लिए वो एक मीटिंग बुला रहा है। उस मीटिंग में राज्य के कोने कोने से प्रताप को सुनने मिलने वाले कई पार्टी वर्कर्स, नेता और वीआईपी लोग आएंगे और उनकी सुरक्षा में आएंगे। उन सबके अपने अपने बंदूकदाने, कई सारे बॉडीगार्ड्स। रवि के बॉडीगार्ड्स बाहर से होने वाले एक सीधे हमले को रोकने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हम हमला बाहर से नहीं, अंदर से करेंगे। तुम लोग पार्टी वर्कर्स और बॉडीगार्ड्स के बेस में, वहां उनके लोगों में मिल जाना। कौन किसका बॉडीगार्ड है किसी को पता नहीं चलेगा। मान लो हमने प्रताप रवि को गोली मार दी, उसके बॉडीगार्ड्स का क्या? वो तो हम लोगों को भून डालेंगे। बॉडीगार्ड्स जिंदा आदमी की जान बचाने के लिए है, मरे आदमी पे जान गंवाने के लिए नहीं। वो आदमी जिसने बॉडीगार्ड के बेस में गोली चलाई और कौन कौन उसके साथ है, यह जाने बिना कोई क्यों फंसना चाहेगा? क्या पता हर कोई दूसरा बॉडीगार्ड भी इस साजिश में शामिल हो। यह सोच के कोई भी बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं करेगा। प्रताप तब चांद से बच गया। अब हम उसे मर्जी से मारेंगे। शस्त्रं मस्तके अग्नि यस्य स एव अस्ति परममत्वमेव इति देवाज्ञैदानीं जयतु सर्वदम् सर्वस्व सन्तन्द्रुसन्मति तन्मनचिता किमश्रुमुरम् सर्वशत्रुणां पिब त्वमरक्तमरक्तर्थतसंभवम् अस्त्रं शस्त्रं तर्कं द्रोह क्लेशरक्तं कर्म धर्म अस्त्रं शस्त्रं तर्कं द्रोह क्लेशरक्तं। Oh,
रवि को मैं मारा, लेकिन क्यों? क्योंकि उसने मेरा भाई सूर्या का पूरा फैमिली को मार दिया। सूर्या जेल में है, इसलिए उसका बदला मैंने लिया। बीच का रास्ता, सांप भी मरा, लाठी भी नहीं टूटी। मालूम है कि ये काम तुमने किया है। क्या कर लोगे? अब तुम पुराने सूर्य नहीं हो जिस पे जुल्म हुआ था। सूर्य उसने भी ठीक वैसे ही शुरुआत की थी जिस तरह तुमने, वो भी उसी माहौल और उन्हीं हालातों से पैदा हुआ जिसे तुम बने। मुझे हालात और माहौल ने नहीं, रवि ने बनाया है। तुम्हारे घर में टीवी बॉम्ब रवि ने नहीं लगाया था क्या? नंदिनी ने बताया मुझे। और तुम मान गए? हो सकता है रवि ने नंदिनी से झूठ बोला, हो सकता है नंदिनी ने मुझसे, लेकिन यकीन के साथ तुम भी तो नहीं कह सकते। सच तो यह है कि पूरे यकीन के साथ कोई भी कुछ नहीं कह सकता, कोई भी। चलो छोड़ो इन बातों को, रवि गया और तुम हो, और मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूं। जहां हम सब फेल हुए वहां तुम कामयाब हो गए। तुमने वो काम किया है जिसकी बड़ी जरूरत थी। तुम्हारे पीछे जो भी लोग हैं और जिस वजह से तुमने रवि को मारा वो खत्म हो गए। वो गया, अभी हो गया, लेकिन याद रखना सूर्या, अपने वक्त में रवि कुछ लोगों के खिलाफ जंग करते करते खुद उनके जैसा बन गया। अगर हालात और माहौल बदल गए तो तुझे भी रवि बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा वक्त नहीं। Thanks. मुझे पूरा यकीन है खुद रवि ने बहाया, और मुझे इसका भी पूरा यकीन है मैं कभी रवि नहीं बनूंगा। Hope so. कांटों से यूं उलझी खुद ही बन गए हैं शूर, है ये अगर हकीकत कैसे करें इसे कबूल, बेजान सा इस दिल जज्बात ना है उसूल। उत्तम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उत्तम शरणम गच्छामि।
दहलाया जहां की यही है रीत, जलंधर बने सिकंदर हुए किसी की हुई है नजी, बहा के लहू मिलेगा सुकून इंसान की है ये भूल, कांटों से यूं उलझे खुद ही बन गए हैं शूर। ये जीवन तो है एक अंधा कुआं जो डूबा सुडूब गया, एक जख्म जो भर जाता है वो भरता है फिर एक नया, टूटी कली जो डाल से बनती नहीं है वो फूल, कांटों से यूं उलझे खुद ही बन गए हैं शूल, बेजान सा इस दिल में अब जज्बात ना है उसूल।